हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। यस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि टोटली डिफरेंट है और एकदम न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है और ऐसी ब्रांड से है जिस पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। यस, दिस कम्स फ्रॉम वाओ स्किन साइंस। ये वाओ स्किन साइंस का वाटरप्रूफ सनस्क्रीन स्प्रे है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आता है। सो गाइस, मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन है, ईच एंड एवरी ब्रांड का मुझे लग रहा है सनस्क्रीन होगा, लेकिन क्यों ये दूसरे सनस्क्रीन से डिफरेंट है इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ। सो यस गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप कोई ऐसा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो जो समर्स में जितनी भी प्रॉब्लम होती है सन से रिलेटेड उनको दूर कर सके, या आपको और कोई प्रॉब्लम है सन से रिलेटेड उसको भी दूर कर सके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना। और यस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी। सो यस गाइस, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको मैं बताती हूँ इस प्रोडक्ट की डिटेल। जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये आता है। इस पे लिखा हुआ है वाओ स्किन साइंस यूवी वाटर सनस्क्रीन ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे। तो जैसा कि नाम से सजेस्ट है, ये एक स्प्रे बॉटल में आएगा। एंड यस, दिस कम्स विथ एसपीएफ 30। तो इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग एसपीएफ 30 सफिशियंट होता है क्योंकि 2 से 3 घंटे बाद में हमें कोई भी सनस्क्रीन लो रीअप्लाई करना ही पड़ता है उसको। एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। तो बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं, दी ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए सनस्क्रीन बताओ। तो यस, ये सनस्क्रीन हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल है एंड इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है लाइक रसबरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल एंड आलमंड ऑयल। तो जैसा कि नाम से दिख रहा है, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा नेचुरल है। एंड गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये यूवीए एंड यूवीबी दोनों रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो यस, ये इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला है। हमें वही सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, मैं अपने हर सनस्क्रीन वीडियो में बोलती हूँ, जो कि यूवीए एंड यूवीबी दोनों रेज से आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो यस, ये ऑल स्किन टाइप है और यूवीए एंड यूवीबी दोनों रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। एंड ये क्लेम करते हैं ये आपको शील्ड करता है, कूल करता है, सूटनेस देता है एंड हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। तो वी ऑल नो कि वाटर बेस्ड फॉर्मूला है तो हाइड्रेशन करेगा। अगर आपकी रैशेज या कोई सनबर्न से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी वो सूटनेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि वाओ के प्रोडक्ट्स होते हैं, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, नो एनी सिंथेटिक कलर। सो यस, ये प्रोडक्ट में भी ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है। ये आपको 100 ml पैकेजिंग में मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको जब भी इसको यूज करें, इसकी बॉटल को अच्छे से शेक करें, उसके बाद ही इसको यूज करें। एंड गाइज, प्राइस है इसकी 399 rupees। आप ये इजिली अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, पर्पल पे मिल जाएगा। जितने भी लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने ये अमेजोन से परचेज किया है। दिस इज 100% वीगन क्रूटली फ्री प्रोडक्ट है एंड फॉर्मुलेटेड इन USA। तो गाइज, अभी बात करते हैं कि जितने भी इंग्रीडियंट्स है इसके अंदर वो कैसे हमें धूप से बचाएंगे या हमारी स्किन को डैमेज होने से रोकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है रसबेरी एक्सट्रैक्ट। तो रसबेरी एक्सट्रैक्ट में विटामिन सी बहुत होता है। विटामिन सी आपके जितने भी सनब्लॉक्स हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो गई है धूप के कारण, उसको होने से रोकेगा और आपकी स्किन को डैमेज होने से रोकेगा। नेक्स्ट है इसमें कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है। तो जो भी एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है धूप में जाने से, मतलब जल्दी से रिंकल्स आ जाते हैं या आपके जो लाइंस या जो लाफिंग लाइंस है वहां पे बहुत अजीब सा दिखने लग जाता है आपका फेस, तो उस प्रॉब्लम को दूर करेगा। नेक्स्ट है एवोकाडो ऑयल, ये नेचुरल सनस्क्रीन होता है। तो जो भी धूप से यूवी एंड यूवीबी रेज आपके फेस पे आ रही है उसको प्रोटेक्ट करेगा उससे। नेक्स्ट है आलमंड ऑयल, तो जो भी आपकी स्किन डैमेज हो गई है उसको हील करने में वो यूज आएगा। पहले भी अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है धूप से तो ये इस चीज को भी कवर अप कर देगा आपकी। तो यस, ये थी इसकी आउटर पैकेजिंग की बात। अभी बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की। गाइस, ये इस तरह से एक बॉटल के अंदर आता है, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है। एज स्प्रे बॉटल है तो आपको स्प्रे करना है अपने फेस पे। सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि अगर आपने मेकअप कर लिया उसके बाद आपको बाहर जाना है, भूल गए हम सनस्क्रीन लगाना, तो ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। आप जस्ट अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए और यू आर रेडी टू गो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर मेकअप भी कर लिया है। और बहुत बार ये ऐसा होता है कि हमको 3-4 घंटे बाहर रहना है, हमने मेकअप किया हुआ है, तो कैसे रीअप्लाई करें सनस्क्रीन, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। बहुत यू कैन सी मैंने अभी मेकअप किया हुआ है और अभी मैं आपको अपने फेस पे स्प्रे करके बताऊंगी कि कैसे सनस्क्रीन आप मेकअप के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। सो यस, हियर वी गो।
सो यस, ये इस तरह से स्प्रे बॉटल में आता है। नॉर्मली आपको बहुत अच्छे से शेक करना है इसको जब भी अप्लाई करो, क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है तो वो जितना आप अच्छे से शेक करोगे उतना अच्छा एक दूसरे में मिक्स होकर वो रिजल्ट देंगे। वो अच्छे से शेक कर लिया और अभी मैं अपने फेस पे इस तरह से आपको नॉर्मल 3 to 4 स्प्रे करना है। सो बस आपको डैप डैप करना है अपने फेस पे और इसको ऐसे ही सूखने दीजिए। यू कैन सी बहुत जल्दी से स्किन में अब्जॉर्व हो जाता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने इसको स्प्रे किया और आपको 5 to 7 minutes लगेंगे, 1 to 2 minutes वो आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्व हो जाएगा। यू कैन सी, तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि हमने सनस्क्रीन लगाया है। बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे होते हैं जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ग्रीसी हो जाता है, हमारा फेस काला काला सा दिखने लगता है या बहुत एक अलग सी लेयर आ जाती है फेस पे। गाइस आप देख सकते हो बहुत ही लाइट फॉर्मूला है, बहुत ही इजी टू अप्लाई है। नॉर्मल शेक करना है और स्प्रे करना है आपको अपने फेस पे। तो यस, मुझे इस सनस्क्रीन की जो 3 बात बहुत अच्छी लगी, एक तो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है, नेक्स्ट थिंग कि यूवी एंड यूवीबी दोनों ही रेस से आपको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड चीज, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपने मेकअप किया है, अदर आपको कोई रीअप्लाई करना है सनस्क्रीन, तो यस आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 चीज मुझे इस सनस्क्रीन की बहुत अच्छी लगी। सो गाइज, मैं मेरे व्यूवर्स को हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर वो कोई ऐसा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही लाइट फॉर्मूला के साथ हो, जो यूवी एंड यूवीबी दोनों रेस से आपको प्रोटेक्ट कर सके, या अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपने मेकअप अप्लाई किया है आप और कोई सनस्क्रीन री अप्लाई करना है, तो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। आई रियली लव दिस प्रोडक्ट और ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, इससे पहले मैंने इस टाइप का कोई भी सनस्क्रीन नहीं देखा है, नहीं यूज किया है। सो यस गाइज, फॉर श्योर आपको एक बार ये परचेज करना चाहिए। एक बार अगर आप इसको परचेस करोगे ना तो एक समर आपकी इजीली निकल जाएगी, क्योंकि आपको नॉर्मल बस 2 to 3 times स्प्रे करना है और टैप टैप करना है अपने फेस पे। ये था मेरा रिव्यू अबाउट वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लोशन ऑफ वाओ स्किन साइंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।